ओम शांति। आज 14/11/2024 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य आज की मुरली के सार में मुक्तेश्वर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते हुए कहा कि जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। ओम शांति कहने से ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही आकर हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। फिर साथ में कहा कि अभी जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है इससे दिखते हुए भी इनसे ममत्व नहीं लगाना है, क्योंकि यह सब खत्म होने वाला है, इसको आग लगनी है। फिर आज बाबा ने बहुत विशेष बात स्मृति में दिलाई कि आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को कराते हैं, क्योंकि शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। और कहा कि तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमको काम जीत जगत जीत बना रहे हैं। बाबा कहे काम विकार पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। बाबा कहे इस समय दुनिया में कितना हाहाकार है, क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं, विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। और कहा कि अभी तुम बच्चों को बाप द्वारा समझ मिलती है कि हम बिल्कुल कौड़ी मिसल वर्थ नोट अपैनी थे, अब बाबा हमको आकर वर्थ पाउंड हीरे तुल्य बनाते हैं। फिर विशेष कहा कि अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने, विकारों से सारे कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। बाबा कहे इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट कार्य करती है, कौन सा? आत्मा को पावन बनाकर देवता बनाती है, नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए यह कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है। फिर स्पष्ट किया कि वास्तव में दुनिया एक ही है, वह नई और पुरानी होती है, जैसे पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बूढ़े होते हैं, दुनिया भी ऐसे है, पहले नई फिर पुरानी होती है। और पवित्रता की महानता बताई। बाबा कहे तुम बच्चे अभी योग बल के द्वारा दुनिया जो असंभव समझती है, ग्रह व्यवहार में रहते पवित्र रहना, वह तुम सहज संभव करते हो, क्योंकि तुम बच्चों को स्मृति है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनो तो तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हमें भगवान से जबरदस्त लॉटरी मिलती है तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे, हमको और खुशी होती है। और साथ में कहा कि कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। और लास्ट में अटेंशन दिलाते हुए कहा कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, परिवर्तन होती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई भी प्रकार की इच्छा रखी तो गया, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया किसी न किसी प्रकार से धोखा देती है। और अटेंशन दिलाया कि यह कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है, पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत रखनी है, विश्व के बादशाही की प्राइज लेनी है तो पवित्र जरूर बनना है, मुख्य है पवित्रता। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। आज मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर में बाबा कहे ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है, यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्यों का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, विश्व के बादशाही की प्राइस लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं।
आज सतगुरु बाबा का वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। स्पष्टीकरण है, बाप की याद ही छत्र छाया है। याद में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजय बने हैं। विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। आज बाबा ने सदा माया जीत बनने के लिए कहा, एक तो बाबा की याद की छत्र छाया में रहना है और श्रीमत रूपी मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है और सदा स्मृति रहे, हम कल्प कल्प के विजयी हैं। विजयी हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से समर्थी शक्ति आ जाएंगी। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 14 नवंबर का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे, अपने को निमित समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेंगे। कभी सेवा कम होती है कभी ज्यादा तो बोझ न लगे। क्या होगा कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित बन कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निमित बन निर्माण बनने वाले। अगर निर्माण नहीं मान की इच्छा है तो बोझ है। बोझ वाला कभी तीव्र नहीं जा सकता, इसलिए सदा हल्के रहे सफलता मूर्त बनो। आज बाबा ने सफलता मूर्त बनने की विधि बताई कि सदा हल्के रहो, सब बोझ बाबा को दे दो और उसके लिए कहा कि सेवा में सदा निमित भाव हो, निर्माण भाव हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।